अहमदाबाद शहर 0 रुपीस एक दिन। चलिए देखते हैं। तो आज का पूरा एक दिन मैं गुजारा करने वाला हूँ बिना पैसों के, वो भी गुजरात के बड़े ही फेमस शहर अहमदाबाद में। जी हाँ, जहाँ पे मेरे को खाना पीना रहना सब कुछ करना है बिना पैसों के। तो चलिए देखते हैं कि मैं बिना पैसे एक दिन गुजरात के बड़े ही फेमस शहर अहमदाबाद में रह सकता हूँ या नहीं। चलिए देखते हैं। तो हर एक आदमी किसी अनजान शहर में कोई ना कोई मकसद की वजह से जाता है, और वो मकसद पूरा होने से पहले उसको उस शहर में 24 घंटा बिताना पड़ता है। तो वो एक दिन बिताने के लिए भी उसे कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है। तो उन्हीं बेसिक चीजों को मैंने 10 आइटम की चेकलिस्ट में बांट रखा है। तो सबसे पहली चीज है कि इन्फॉर्मेशन लेना। तो अहमदाबाद के लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मैं बिना पैसे 24 घंटा अहमदाबाद में क्या करूं। चलो પોતાનો અનુભવ તો એટલો છે કે અમદાવાદના આખા કોઈ પણ વિસ્તારમાં તમે જશો તો હા ये थोड़ा अनकंफर्टेबल थे हिंदी में बात करने के लिए, इसलिए मैंने उनको गुजराती में पूछ लिया। पर चिंता मत करो, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। तो सारी जगह तो घनी पुष्कळ छे, पण एने माटे नानू मोटू रेन तो आपणे चूकवू पड़े। अने खावा पीवा माटे पण शुं छे के तमे कोई पण सारी हवा है शुद्ध, तो हवा पानी सब कुछ यहाँ फ्री है, हमेशा भोजन खाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ फ्री पीस ऑफ माइंड। पर अभी नहीं, शाम को भी ज़रूरत पड़े कि मेरे को शायद से फूड की। तो आस पास में कोई भी जगह हो तमने शू लागे छे, एटले हूँ करी सकीश के नहीं करी सकू। ना एटले जीरो रेंट ऊपर तो अमदावाद में शक्य छे नहीं, तो नानू मोटू तमारे पैसा तो चूकवाज पड़शे। तो रिवर फ्रंट ही एक सही जगह है जहाँ काफ़ी लोग घर से भी खाना बना के ले आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। तो पीपल आर वेरी फ्रेंडली, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, पीपल विल नॉट से नो, बट यू हैव फ्रेंडली एंड कोडियल। तो बेसिकली इन अंकल जी ने मेरे को सलाह दी कि मैं पूरा दिन रिवर फ्रंट पे रह सकता हूँ जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि वहाँ पे फैमिली लोग इन्जॉय करने आते हैं, वो लोग मेरे साथ अपना फूड शेयर कर सकते हैं और मेरा एक दिन अहमदाबाद में आराम से बीत जाएगा। पर मेरे को बहुत सारे टास्क भी कम्प्लीट करने थे, इसलिए मैंने एक जगह पे ना रह के अहमदाबाद शहर घूमने का फैसला लिया था। तो बस उनको थैंक यू बोल के मैं निकल जाता हूँ अपने आगे के टास्क को खत्म करने के लिए। देखो अभी हमको जैसे एक ओपिनियन मिला कि रिवर फ्रंट पे बहुत सारे लोग आते हैं, इसी के साथ हमारा पहला टास्क जो कि था इन्फॉर्मेशन लेना वो होता है कम्प्लीट। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को मिल जाता है अपना दूसरा टास्क जो कि था पानी पीना, उसे भी करते हम चेकलिस्ट से आउट। और मैं निकल पड़ता हूँ अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट करने के लिए जो कि है ब्रेकफास्ट। पर ब्रेकफास्ट करने से पहले मेरे को चाय की तलब लगी थी, तो पहले चाय के लिए उन्होंने मना ही कर दिया था। पर हमारी चाय 0 रुपए पे पूरा दिन रहना है, खाना पीना सब कुछ 0 रुपए में करना है। फिर क्या था, उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा और यहाँ पे चाय हमको मिल गई है। और फाइनली चाय पी के और अंकल को थैंक यू बोल के मैं निकल पड़ता हूँ अगला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए। पर उससे पहले, और ये भी एक बात है कि हम कैमरा छुपा के भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि लोग कैमरा में बुरे नहीं दिखना चाहते, इसलिए हमारी मदद करेंगे। तो मैं कैमरा छुपा के भी लोगों से मदद मांगने की कोशिश करूंगा। इतने पर अभी ब्रेकफास्ट ढूंढो भाई, बहुत भूख लगी है। चल इसी के साथ मैं निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए, पर कैमरा छुपा के। दोनों शॉप से मैंने खाना लेने की ट्राई तो की, दोनों शॉप से मेरी अटेम्प्ट फेल रही। तो अभी बात थी मेरी तीसरी अटेम्प्ट की। चैलेंज वीडियो बनाओ तो हमारे अहमदाबाद में से 0 रुपये में आपको दिवस मतलब रहने के 0 रुपया पर अहमदाबाद शहर में रहवा तो नहीं जवा बस मारे नाम से बात करता हूँ। मुझे लगा कि इस बार भी मेरी दाल नहीं गली वाली, हुआ कुछ ऐसा कि थैंक यू सो मच बाबा। सुबह सुबह में अगर नाश्ता एक खमन ढोकला के साथ हो तो किसकी सुबह
अच्छी नहीं जाएगी। ब्रेकफास्ट को करते हैं चेकलिस्ट से आउट और चलते दूसरी तरफ। मुझे लगा कि मेरा सिर्फ सुबह का नाश्ता ये खमन ढोकला है, पर मेरे साथ आगे कुछ होता है ऐसा। ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मैं ये चीज मतलब खाने के लिए दे रहे हैं, ये लोग मेरे को अनजाने में मिले और एकदम से खाने के लिए ऑफर कर रहे हैं। सच में ले लू तो हमारा दूसरा ये नाश्ता हो जाएगा। वो भाई लोग मिले और इन्होंने मतलब पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा सिर्फ ये मैं एक चैलेंज वीडियो बता रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि ये एक सैंडविच है आप ले लो हमारी तरफ से। भाई साहब क्या ही चीज़ मिली है मेरे को खाने में, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे को ये सब चीज़ें खाने को मिलेगी और आज के दिन इस वीडियो के अंदर। भाई ये चैलेंज तो मतलब एपिक बनता जा रहा है। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा अभी के लिए, तो एक सैंडविच से काम चला लूँगा। तो चलो चलते हैं आगे। जाते ही मेरे को मिल जाता है एक और बार पानी। इसी के साथ मेरा ब्रेकफास्ट का टास्क यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया वाले चैलेंजेस मैं लाने की ट्राई करता रहूंगा, और मानो या ना मानो ऐसे चैलेंजेस में मेरी बहुत ही वाट लगती है। अभी मेरी बारी है नेक्स्ट वाले टास्क को खत्म करने की, जो की है ट्रैवल। तो आओ इसे भी खत्म करते हैं। लिफ्ट के लिए मैंने एक दो बारी अटेम्प्ट किए, पर वो दोनों अटेम्प्ट फेल रही। फाइनली मैंने कैसे ही करके एक लिफ्ट ले ही ली, पर मेरे को ये सिर्फ आधे रास्ते तक के लिए ही मिली थी। पर थोड़ी देर बाद मेरे को एक और बार लिफ्ट मिली। इसी के साथ मेरा ट्रैवल का टास्क होता है यहीं पे खत्म, और मैं मिलता हूँ आपको सीधा लाल दरवाजे पे। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि लाल दरवाज़ा पे कपड़े अच्छे और सस्ते मिलते हैं, इसलिए मैं आ गया था लाल दरवाज़ा पे फ्री में कपड़े लेने के लिए, जो कि पहला अटेम्प्ट मेरा फेल रहता है। इसके बाद मैंने दो और अटेम्प्ट किए, पर वो दोनों अटेम्प्ट भी फेल रहते हैं। इसी के साथ मेरा क्लोथिंग वाला ऑब्जेक्टिव यहीं पर फेल रहता है। मैं अपना टाइम दिखा देता हूँ, 12 बजे अभी, और इस मार्केट में चल चल के ना सचमुच में हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैंने कपड़े भी मांगने की ट्राई की, कपड़े भी नहीं मिले। अभी आधे घंटे में लंच का भी टाइम हो जाएगा, तो लंच भी मेरे को देखना पड़ेगा कोई मिलता है या नहीं है। और लंच के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने के लिए मैं फिर से उठ जाता हूँ और लग जाता हूँ लंच ढूंढने के लिए, और मेरे मुश्किल दिन को और मुश्किल बनाने के लिए। तो अभी फाइनली यहाँ पे बारिश ख़त्म हो गई है, अभी मतलब बंद हो गई है अभी। तो अभी कपड़े के ऑब्जेक्टिव मतलब क्लोथिंग के ऑब्जेक्टिव तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं जो है लंच। तो आ जाओ लंच ढूंढते हैं। कि वहां से भी मेरे को मिला रिजेक्शन, फिर मैं डिसीजन लेता हूँ जाने का अहमदाबाद के बड़े ही फेमस शहर जो कि है काकरिया। तो मैं निकल जाता हूँ काकरिया जाने के लिए। अभी टाइम हो चुका है 1:38 दोपहर के, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। तभी मेरी नज़र पड़ती है सामने एक बेकरी की दुकान पे, तो मैं चला जाता हूँ बेकरी में एक लास्ट ट्राई मारने के लिए, जो कि इस बार मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। मेरे को खाना मिल रहा है, जो एक पेटी है, फिनिश करता हूँ, यही मेरा लंच होगा शायद। इसी के साथ मेरा लंच वाला टास्क भी यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ 2 बजे हमारा लंच का भी ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है, और अभी तो मैं मिलता हूँ आपको
सीधा 5 बजे 2 घंटा रेस्ट करने के बाद। अभी बारी है मेरे सबसे मेन ऑब्जेक्टिव की, जो कि है पैसा कमाना। लेकिन एक मिनट, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? तो ऐसे मैं जाऊंगा लोगों के पास और उनको एक जोक सुनाऊंगा। अगर उनको मेरा ये जोक पसंद आया और वो लोग हंस पड़े तो मैं उनसे 10 रुपीज लूंगा, और अगर वो नहीं हंसे तो जोक फ्री में। यही सोच के साथ मैं निकल पड़ता हूँ कुछ लोगों के पास। एक पापा अपने बेटे से बोलता है कि बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, वो रूपवती गुणवती सरस्वती है। पर बेटा बोलता है कि मेरे को तो कोई बात पसंद है। इसी के साथ प्लान सक्सेस। पर कई टाइम मेरे जोक्स फेल रहे, जैसे कि यही देख लो आप। उसकी सेम उंगलियां थी। फिर भी लोग उसे सलमान खान कह के बोला करते। क्यों सलमान खान का ऋतिक रोशन? नहीं, सलमान खान कह के बोला करते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका नाम सलमान खान। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? पर मानो या ना मानो, ये प्लान मेरा बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये प्लान को और भी बढ़िया बनाने के लिए मेरे को मिला ये ग्रुप। एक लड़की देखी है, वो रूपवती गुणवती सरस्वती है। तो बेटे ने बोला कि पापा मेरे को तो कोई बात नहीं पता, और वो गर्भवती। क्या जोक मारा भाई! वो गुणवती रूपवती और सरस्वती है। पर बेटा बोलता है कि पापा मुझे पता है कि मैंने एक के एक जोक कई बार सुना है और कई लोगों को सुनाया है, पर क्या करता है, मेरे पास यही एक बढ़िया वाला जोक था। तो कोई कमेंट सेक्शन में गाली मत देना प्लीज, ये तो कोई और पसंद है और वो गर्भवती है। और फाइनली ये प्लान की वजह से मेरे पास हो गए 100 रुपीज, जिससे मैं डिनर आराम से कर सकता था। अभी इतने रुपए में मेरा रात का डिनर तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतने रुपए में मैं पूरा एक दिन रहा हूँ, तो इतने रुपए में तो एक टाइम का खाना आराम से हो जाएगा। तो चलो आपको मिलता हूँ डायरेक्ट शाम को डिनर के वक्त। पर मानो या ना मानो, मेरी चल चल के हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। खराब हो चुकी थी कि मेरे से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, बाइक चला नहीं जा रहा मेरे से। ये देखो इतना कदम मैं आज मतलब पूरे दिन में चला हूँ, और टाइम भी देख सकते हो आप। मैंने अभी आपको दिखाया था टाइम, 7:05 या फिर 6 मिनट बाकी थे, उतना ही टाइम है। और आज देखो तो आज इतना किलोमीटर चला हूँ, यहाँ से अभी खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। तो अभी देखता हूँ, थोड़ी देर और आराम करूँगा और फिर रिफ्ट लेके जाऊँगा सीधा खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही भूख तो बहुत लगी है, प्यास भी लगी है, पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं हुई। बस आधा एक घंटा और आराम करने के बाद मैं निकल जाता हूँ रात के डिनर के लिए। तो गाइस अभी 8:30 बज चुके और मैंने मतलब अपने कमाए हुए पैसे हालत इतनी खराब थी कि मेरे से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा था। देखो 8:30 तो बज चुके हैं रात के, 8:30 हो चुके हैं, बाहर मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है। और अभी 8:30 मैं अपने जो कमाए हुए 100 रुपये हैं उसी से मैं अभी खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत भूख लग चुकी है मेरे को। और खाना खा के मैं कुछ करूँगा टाइम पास, और 12 बजे तक के वीडियो मतलब 12 बजे वीडियो ख़त्म करूँगा। और अभी 9:15, ये देखो 9:15 हमारे मतलब भाजी पाव आ चुकी है 90 रुपये की, तो इसको ख़त्म करके मिलता हूँ आपको। मैंने जो 100 रुपये कमाए थे उसमें से मतलब मेरे 10 रुपये बचे हैं, 90 रुपये की मैंने भाजी पाव खा ली है। तो गाइस इसी के साथ मेरा डिनर का और मनी का ऑब्जेक्टिव भी यहीं पे ख़त्म होता है। बस अब फाइनली 12 बजे तक मैंने मणिनगर पे ही वेट किया और कुछ ना कुछ टाइम पास किया। तो खाना बाना सब कुछ कर लिया मैंने, और अभी यहाँ पे मतलब मणिनगर पे मैं यहाँ BRTS पे बैठा हूँ, मतलब BRTS का ये देखो बस स्टैंड है पूरा। बस इसी के साथ मैं लग जाता हूँ कुछ ना कुछ करके टाइम पास करने के लिए मणिनगर बस स्टैंड पे ही।
कुछ ना कुछ करके मैंने 12 बजे तक टाइम पास कर ही दिया और अभी बारी थी मेरी घर पे जाने की। ऑलराइट गाइस, तो अभी फाइनली बज चुके, देखे वेम हो चुकी है, मतलब एक दिन मेरा ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ मेरा ये वाला वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत हार्ड चैलेंज था और मैंने मतलब कंप्लीट ही कर दिया है, तो यार हो सके तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।